गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है थर्सडे और मैं मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर लाइट ज़्यादा आता है इसलिए बैठ नहीं पाऊँगी, शायद देखते हैं। अश्मिता का क्लास है, अश्मिता अभी बाहर बैठी है क्योंकि मैं घर क्लीन कर रही हूँ और टिफिन वगैरह हो गया है, तो जल्दी से आज पूजा करना है। एज इट इज़ एज ए नॉर्मल डे आज। हाँ, धूप है अभी भी, मतलब एक धूप हो रहा है फिर क्लाउडी है, इस टाइप का वेदर है। पता नहीं आज रात में बारिश होगा कि नहीं। बैंगलोर में यही होता है, मतलब मॉर्निंग में अगर धूप ज़्यादा हो जाता है तो इवनिंग में बारिश शुरू हो जाता है। तो आज का दिन शुरू करते हैं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप लोगों को नहीं दिखाया कि हमने क्या टिफिन लिए, क्या किए, डायरेक्ट एकदम लंच दिखाएंगे। जल्दी से मैं पहले मेरा घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ। सो आज आलू भिंडी बनाएंगे। भिंडी कट के रखी हूँ और आलू को पहले फ्राई कर लेते हैं। और देखते हैं कौन सा दाल बनाएंगे, इसके साथ पूछती हूँ। मुझे सब दाल ही पसंद है। इन लोगों को रहता है कभी मसूर दाल पसंद है, कभी तूर, तूर मीन्स अरहर दाल, तो कभी मूंग दाल। तो आज देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कौन सा दाल मुझे मैं कर बनाऊँगी। पहले आलू भिंडी तो बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सॉल्ट और हल्दी पाउडर ऑलरेडी दे दिए, अभी मैं इसके अंदर दूंगी थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अच्छा लगता है कभी कश्मीरी रेड चिली पाउडर देती भी देखिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर तो आलू को थोड़ा कड़क करके फ्राई करना है। भिंडी ऑलरेडी काट के रखी हूँ और जीरा दे रही हूँ। अभी इसके अंदर मैं कोई ग्रीन चिलीज नहीं दूंगी, जस्ट ऐसे भिंडी को फ्राई कर लूँगी। और इस साइड में आलू को ऑलरेडी मैंने फ्राई करके रखी हूँ। अभी ये जल्दी से फ्राई हो जाए तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ। हो जाए, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन कट के रखी हूँ, फ्राई होने के बाद वो मैं दे दूंगी। और इस साइड में तूर दाल बना रही हूँ, दो ग्रीन चिलीज और उसके साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दिए। बस ये दाल हो जाएगा और सोच रही हूँ कि क्या मैं बनाऊँ, देखते हैं। अभी तक एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पाया कि क्या, कल एक्चुअली भूल गई कि क्या करना है, वो मुझे लिख के रखना था तो वो भूल गई। लेकिन मैं देखती हूँ जल्दी हो जाएगा जो भी करूँगी। अभी मुझे देना है थोड़ा सा सॉल्ट, एकदम थोड़ा सा दूँगी क्योंकि पोटैटो में ऑलरेडी सॉल्ट है। बस हो गया है, अभी मैं स्प्रिंग ऑनियन इसके अंदर दे दूँगी। सिर्फ आलू से भी अच्छा लगता है, आलू और स्प्रिंग ऑनियन फ्राई भी बहुत ही अच्छा लगता है।
थोड़ा सा टोमेटो और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट देखें। हल्दी तो ऑलरेडी मैंने जब प्रेशर कुक किए थे उस समय दे दिए थे, तो अभी मैं इसके अंदर सॉल्ट देके छोक लगा लूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक भी दे सकते हैं, अच्छा लगता है। तो छोक लगाने से हो जाएगा मेरा दाल। तो यहाँ पर आलू और भिंडी स्प्रिंग ऑनियन फ्राई है और यह है दाल, दोनों बन गया है। अभी मुझे बनाना है पालक पनीर। पालक पनीर बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑनियन कट करके रखे है, यह है गार्लिक चॉप करके रखी हूँ। मुझे चाहिए थोड़ा सा दालचीनी। यहाँ पर पालक का प्यूरी है ये, और इस साइड में मैंने जो पनीर है उसको थोड़ा सा हल्का फ्राई करके रखी हूँ। इस साइड में ऑयल गर्म हो गया है, अभी मैं दूंगी थोड़ा सा सिनेमन स्टिक, जीरा, हल्का भून जाए। अभी मुझे देना है गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक पहले देना है, तो गार्लिक का जो अरोमा है वो रह जाएगा। हल्का लाल लाल करके इसको फ्राई करना है। लाल लाल करके फ्राई हो गया है। अभी मुझे देना है ऑनियन। नरम नरम रहेगा ऑनियन, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है या लाल लाल नहीं फ्राई करना है। दे रही हूँ अभी सॉल्ट ताकि ऑनियन जल ना जाए। आप चाहे तो इसके साथ टोमेटो भी दे सकते हैं, बट आज मैं टोमेटो नहीं दूंगी क्योंकि दाल में ऑलरेडी मैंने टोमेटो डाले हैं। अभी मुझे देना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा दूंगी, ज़्यादा नहीं। और एक एक करके मैं दे रही हूँ जिंजर पेस्ट, बहुत ही कम चाहिए। दे रही हूँ गार्लिक, गार्लिक मैंने चॉप करके दी हूँ इसलिए थोड़ा सा ही गार्लिक मुझे देना है। किसी समय आप टमाटर दे सकते हैं बट मुझे अभी नहीं देना है, जैसे बताया। ऑलमोस्ट डन। अभी मुझे वो प्यूरी, पालक का जो प्यूरी है वो मैं दूंगी। पहले मुझे देना है थोड़ा सा शुगर, शुगर ज़रूरी है। यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने शुगर दिए। अभी मैं दे रही हूँ प्यूरी। थोड़ा सा मुझे पानी इसमें देना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से आप पानी इसके अंदर दे सकते हैं। बस अभी मैं ढक के पकाऊंगी और वेट करूंगी थोड़ा ऑयल बाहर निकल के आए तो मसाला पक जाएगा। और मैं ये पालक का जो जिसमें हम पालक बॉईल किए उसी का पानी में यूज़ किए इसके अंदर।
मैंने जिस तरह से पालक पनीर बनाया, आप लोग अगर इस तरह से पालक पनीर बनाते हैं तो ये जो पालक का जो ग्रीननेस है ये रह जाएगा। समटाइम क्या होता है कि पालक का ये कलर चला जाता है, तो इस मतलब इस टाइप से आप पालक पनीर बनाइए। हो गया है, अभी मैं दे रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, पालक जब आप बॉयल करके ग्राइंड करेंगे उसी समय आप ग्रीन चिलीज दे दीजिए। तो मैं वो बोलना भूल गई थी, तो आप उस समय दे सकते हैं या तो ऑयल के अंदर भी दे सकते हैं। ऑलमोस्ट डन। और मैंने इसलिए कवर नहीं की हूँ क्योंकि ये पनीर का जो क्रंचीनेस है वो रह जाएगा, तो ये क्रंचीनेस हम लोगों को पसंद है। आप लोगों को अगर पसंद नहीं है तो आप लोग उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हैं। तो बन गया मेरा पालक पनीर, अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी। बाहर बहुत बारिश हो रहा है, देखिए अब रोज इवनिंग में बारिश हो रहा है। मुझे बाहर आने से बहुत डर लगता है, चारों तरफ लाइटनिंग होता है। इस साइड में मैं ऑलरेडी मेरा जो डिनर का प्रिपरेशन है वो कर लिए। ऐसे मेरे लिए यहाँ पर राइस मेरे लिए है और इन दोनों के लिए रोटी है, बाकी सब्जी सेम होगा। दाल है, ये फ्राइड है, ये दाल है और ये है पालक पनीर। ज़्यादा करके बनाए थे ताकि रात में हो जाए। सो डिनर कंप्लीट करते हैं उसके बाद। अश्मिता, अश्मी, कम फिर उसके बाद आप लोगों से कल मिलती हूँ फिर से। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।